कि आप ऐसे कोई भी हार्ड डिस्क को एक सॉफ्टवेयर से आप इसके बैड सेक्टर को रिपेयर कर सकते हैं, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में, टेक्निकल हेल्थ गुरु सुनील में। दोस्तों, आज के जो वीडियो है वो बताऊँगा कि कैसे आप किसी भी हार्ड डिस्क की हेल्थ को कैसे आप रिपेयर कर सकते हैं, वो मैं आज इस आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना ये होगा कि आपके पास एक सीडी होती है जो आपको मिल जाएगी गूगल से, या डाउनलोड कर सकते हैं। ईआरएस की एक सीडी होगी, उस ईआरएस सीडी को आपको किसी भी डिवाइडर से यूज करना है। जैसे ये देखिए, मदरबोर्ड में बस लगा रखा है और मैंने 160 GB हार्ड डिस्क में लगाई है। तो इसको आपको करना ये है कि आपको फर्स्ट बूट, आपको हार्ड जैसे आपको विंडो इंस्टॉल करते हैं वैसे ही आपको ये करना है कि इसको सिस्टम को रिस्टार्ट करके, आपको सिस्टम को रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने के बाद आपके स्क्रीन, जो फर्स्ट स्क्रीन आएगी वो आपको उसको देखना है, और सिंपल तरीके से आप उसको हार्ड डिस्क को जीरो फिल फॉर्मेट करके उसकी हेल्थ और मतलब उसको वर्किंग कंडीशन में अच्छा ला सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने करा, तो यहाँ पे आप करेंगे स्टार्ट बूट सीडी, ठीक है। तो जैसे ही आप स्टार्ट बूट सीडी करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने ये ऑप्शन आएंगे, तो उसमें आपको जाना है हार्ड डिस्क से टूल्स में जाना है। हार्ड डिस्क टूल्स में जाने के बाद आपको ये देखना है, इसमें देखना सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपको यूज करना है, ये देखिए हार्ड डिस्क रिजनरेटर, ठीक है। इसको इंटर करेंगे यहाँ पे ऑटो करके, यहाँ पे इंटर कर देंगे। करने के बाद ये पूछता है, देखिए आपकी 160 GB मैंने हार्ड डिस्क ली है, तो यहाँ पे इस डिस्प्ले में दिख रहा है 149 GB आ गया है, तो इसको आपको इंटर कर देना है। और ये पूछता है कौन कौन से करना है, फर्स्ट स्कैन एंड रिपेयर, सेकेंड स्कैन बट नॉट डू नॉट रिपेयर, तो अपन को फर्स्ट वाला ऑप्शन यूज करना। तो यानी मैं वन दबाऊंगा, इंटर दबा दूंगा, तो और फिर जाके मैं इंटर प्रेस कर दूंगा, तो ये है ना, ये हार्ड डिस्क को इसके जो बैड सेक्टर है उनको रिपेयर करने का काम स्टार्ट कर देगा। तो जो मैंने आपको फर्स्ट स्क्रीन आपने देखा होगा कि इसने दो बैड सेक्टर को रिपेयर किया था। ऐसे करके आप किसी भी हार्ड डिस्क, चाहे वो 1 TB हो, चाहे 60 हो, 500, 320 GB, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मतलब कोई भी हार्ड डिस्क आपके पास होगी तो आप उसको जाके ऐसे रिपेयर कर सकते हैं। आपको बस चाहिए एक ईआरएस की सीडी, एक सिस्टम, और एक आपको चाहिए डीवीडी राइटर, जिससे आप उसको सीडी को बूट करा पाएं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना।